नमस्कार, वेलकम टू लेट्स कुक अप। ठंडी का मौसम है एंड ये मौसम में काफी सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि न्यू ईयर प्रोग्राम, गेट टुगेदर, शादी। ये सारे इवेंट्स में एक कॉमन डेसर्ट होता है, वो है गाजर का हलवा। आज मैं गाजर का हलवा नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाके एक अलग स्वीट बनाने वाला हूँ। तो चलो आज हम बनाते हैं गाजर की बर्फी। आज हम बनाने वाले हैं गाजर की बर्फी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर लिया है, जो मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा है। 1 किलो गाजर के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, 2 कप चीनी, 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह पे आप कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हो। 1/2 कप मलाई, ये ऑप्शनल है, ये आप ऐड करोगे तो एक एडिशनल टेस्ट मिलेगा बर्फी को। 2 चम्मच घी, 1 चम्मच इलायची का पाउडर। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिया है। तो चलो बनाते हैं गाजर की बर्फी। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं ग्रेट किया हुआ गाजर। यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर लिया है। गाजर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। तो अब हम बीच बीच में स्टर करेंगे और जो हमने दूध ऐड किया है इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो, नॉनस्टिक कढ़ाई था 2 मिनट पहले, अब एल्यूमिनियम का कढ़ाई मैंने लिया है। रीजन सिंपल है, जो नॉनस्टिक का कढ़ाई लिया था उसमें 1 लीटर दूध और 1 किलो गाजर फिट नहीं हो रहा था, तो मैं ये क्वांटिटी रिड्यूस एल्यूमिनियम के बर्तन में करूंगा और जो फिनिशिंग है वो मैं नॉनस्टिक के कढ़ाई में कंप्लीट करूंगा। तो जैसे आप देख सकते हो, दूध कंप्लीटली ड्राई हो गया है एंड ये अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप चीनी। अराउंड 1/2 घंटे का टाइम लिया था दूध को रिड्यूस होने के लिए एंड 1/2 घंटे के बाद मैंने चीनी ऐड किया है। जैसे आप देख सकते हो, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम वापस इस मिक्सचर को रिड्यूस करेंगे। ये जो एजेस में जो चिपका है इसको अच्छे से निकाल देना, क्योंकि असली फ्लेवर इसके एजेस में होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मिठास प्रॉपर है कि नहीं। तो जैसे आप देख सकते हो, चीनी, दूध और जो गाजर का जो मिक्सचर है ये अच्छे से रिड्यूस हो गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसका जो फिनिशिंग है ये नॉनस्टिक कढ़ाई में ख़त्म करने वाला हूँ, तो अब हम इसको एल्यूमिनियम बर्तन से चेंज करके नॉनस्टिक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करते हैं। मैं जब भी कोई डिश बनाता हूँ तो एक चीज़ ध्यान देता हूँ कि बर्तन प्रॉपर है कि नहीं। तो आज जैसे आपने देखा कि स्टार्टिंग में मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई से चालू किया था, बट सारा चीज़ ओवरफ्लो के गिर रहा था, इसलिए मैंने इसको एल्यूमिनियम बर्तन में ट्रांसफ़र किया था। तो मैं नॉर्मली प्रिफर करता हूँ कि बर्तन प्रॉपर रहे। सिंस तीनों इंग्रेडिएंट अच्छे से ड्राई हो गया है, अब हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। ये मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर की जगह पे आप कंडेंस मिल्क या खोया यूज कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मलाई, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है मलाई तो आप ऐड कर सकते हो, वरना इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी।
अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। ये मैंने एक चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रहा हूं। तो ऑलमोस्ट एक घंटे के बाद हमारा गाजर की बर्फी रेडी है। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका बता देता हूं। अगर इसमें गोल शेप इजीली बन रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका कंसिस्टेंसी प्रॉपर है। तो अब हम इसको एक सेटिंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाजर की बर्फी सेट करने के लिए एक प्लेट लिया है। प्लेट में पहले से ही मैंने बटर ग्रीस कर लिया है अच्छी से। अब इसमें हम जो गाजर की बर्फी है इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में बादाम और पिस्ता लिया है और इसको वापस हम प्रेस कर लेते हैं। अब हम इसको अराउंड 2 से 3 घंटे तक साइड में निकाल के रख लेते हैं सो दैट ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर हम इसको कट करके सर्व कर लेते हैं। तो अराउंड 3 से 4 घंटा हो गया है, मैंने इसको सेट करने के लिए रख दिया था। अब हम इसको छोटे छोटे शेप्स में कट कर लेंगे। गाजर का हलवा तो आप लोग सब अपने घर पे बनाते ही है, ये बार आप गाजर की बर्फी ट्राई कीजिए, टेस्टी है और सिंपल है। आपका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं इसको कट करके एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने गाजर की बर्फी में 3 इंग्रेडिएंट यूज किया है, बट एक और की इंग्रेडिएंट है, वो है पेशेंस। आप भी अपने घर पे ये गाजर की बर्फी जरूर ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर आप लोग सबको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंटिल देन टाटा।